महात्मा गांधी जिन्हें भारत में प्यार से बापू कहा जाता है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राष्ट्रपिता के सम्मान में 2 अक्टूबर को उनका जन्मदिन पूरे देश में मनाया जाता है। आज गांधी जयंती के मौके पर हम आपको उनके जीवन से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताएंगे। क्या आप जानते हैं कि जब भारत आजादी का जश्न मना रहा था तब उपवास पर बैठे थे गांधी जी? दरअसल 15 अगस्त 1947 को महात्मा गांधी नोआखली में मौजूद थे, जहां वो हिंदू और मुस्लिम के बीच उपजे तनाव को खत्म करने का प्रयास कर रहे थे। जब नेहरू और पटेल ने गांधी जी को खत भेजकर बताया कि 15 अगस्त को देश का पहला स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा, तब उन्होंने खत के जरिए कहा कि जब हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे की जान ले रहे हैं, ऐसे में मैं जश्न में कैसे शामिल हो सकता हूँ। महात्मा गांधी का जन्मदिन पूरे दुनिया में इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस के तौर पर मनाया जाता है। उन्होंने न केवल आजादी की लड़ाई लड़ी बल्कि अछूतों और निचली जाति के लिए उचित व्यवहार की भी मांग की। उन्होंने अछूतों को हरिजन भी कहा, जिसका अर्थ है भगवान की संतान। जिस देश ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ उन्होंने भारत की आजादी की लड़ाई लड़ी, उसने उनकी मृत्यु के 21 साल बाद उनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया। गांधी को महात्मा की उपाधि महान बंगाली कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। प्रभात खबर .com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।